भाजपा की शहर विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक सोमवार को पार्टी कार्यालय में हुई। शुरुआत में जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर अखिल शुक्ला, शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी देवेंद्र यादव और अशोक गुप्ता ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर शुक्ला ने बूथ समिति संरचना, शक्ति केंद्र प्रभारियों का कार्य वितरण, शक्ति केंद्रों का प्रारूप एवं 7 दिवसीय कार्य योजना के विभाजन पर चर्चा की। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के निवासी, प्रदेश जिला मंडल पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष, नगर परिषद के भाजपा पार्षदों के बूथ समिति सत्यापन का कार्य बांटा। विधायक सिंगल ने प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का कार्यकर्ताओं के नाम संदेश पढ़ा और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया। बैठक को जिला महामंत्री देवेंद्र यादव और संजय नरूका ने भी संबोधित किया। विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अशोक गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुल्कराज बीका, सभापति अशोक खन्ना, प्रदेश महिला मोर्चा सदस्य पूनम गुर्जर, मदन गोपाल, राकेश सेठी, दिगंबर सैनी, चंदा सैनी, पंडित जले सिंह, तपेश अवस्थी, राजेश तिवारी, मनोज चौहान, सुनील चौधरी, अभिराम दीक्षित, रामावतार शर्मा, रवि यादव, संदीप गुप्ता, सुदेश खामरा, अशोक जैन आदि मौजूद रहे। संचालन दीपक पंडित ने किया। जनता पार्टी की बूथ समितियों के सत्यापन का सप्ताह है, उसके नाते उसके निमित्त आज एक बैठक है, जिसको बैठक को लेने के लिए हमारे अलवर जिला के संगठन प्रभारी श्री अखिल शुक्ला जी पधारे हैं। इस बूथ समिति सत्यापन समिति के कार्यक्रम का संयोजक हमारे देवेंद्र यादव जी, जो पार्टी के जिला महामंत्री हैं, उनको बनाया गया है। इसमें सभी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी बूथ समितियों के जो पदाधिकारी हैं वो हैं, अध्यक्ष और महामंत्री हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, सभापति हमारे चेयरमैन नगर परिषद, जिला महामंत्री भाई संजय जी नरूका, जिला महामंत्री भाई देवेंद्र जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई बीका जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा श्रीमती पूनम जी और हमारे सभी महिला मोर्चा अन्य प्रकोष्ठ मोर्चा सबके अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। अब चूंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ सरकार स्थापित करनी है, बूथ समितियों के सत्यापन का काम शुरू हो गया है। इसमें एक एक बूथ तक पहुंचने का और एक एक बूथ को सक्रिय करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से चला रखा है, अब उन जो बूथ समिति पिछले दिनों बनाई गई थी उनके सत्यापन का काम हम सब लोग कर रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ परिणाम, जिस तरह से पूरे देश भर में आज कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो अभियान आदरणीय मोदी जी और हमारे अमित शाह साहब के द्वारा चल रहा है, उसी कड़ी में राजस्थान को पुनः जीतकर मोदी जी के और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम लोग सब काम करेंगे।